सबसे पहले बात करते हैं यूपी के मऊ की, जहां विदेश से पैसा कमाकर घर लौट रहे 5 युवकों के साथ ट्रेन में जहर खुराने की वारदात सामने आई है। जहर खुराने ने लाखों रुपए और उनके पास मौजूद कीमती सामान लूट लिया और फरार हो गए। सभी युवक दुबई से अपने अपने घरों के लिए आ रहे थे। मऊ स्टेशन पर रेलवे पुलिस को इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। समय 7:25 बजे मंडल सुरक्षा नियंत्रण कक्ष वाराणसी से सूचना प्राप्त हुई कि गाड़ी संख्या 1406 लक्ष्य एक्सप्रेस के B1 और B2 कोच में कुछ यात्री और बेहोशी हालत में उनका इलाज कराया गया। उक्त सूचना पर तत्काल ADMO मऊ को सूचना दी गई, साथ ही TC और UP राकेश कुमार को बुलाया गया। गाड़ी के समय 8:25 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आगमन पर उक्त कोचों को मैं स्वयं उप निरीक्षक DKR साथ स्टाफ वह जीआरपी स्टाफ उस गाड़ी को अटेंड कर उसमें से अब बेहोशी की हालत में 5 व्यक्ति को उतारा गया। उनको स्टेशन पर फर्स्ट एड देने के पश्चात 108 नंबर के जरिए एम्बुलेंस को बुलाकर 2 स्टाफ बुलाकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मऊ में भर्ती कराकर उनका अग्रिम उपचार किया जा रहा है। उनमें से 4 यात्रियों के परिजन आ चुके हैं, 1 यात्री के परिजन नए हैं। उनके सामानों को सुरक्षित रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट पर रखा गया है। उनके ठीक होने के पश्चात उनके द्वारा दी गई तहरीर पर अग्रिम कार्रवाई। दिल्ली से आ रहा था, ट्रेन में 4 लोग मिल के मेरा लूट लिया, सामान लूट लिया, कोल्ड ड्रिंक पिला के। कितना 6 लोग थे, सबको ऐसे ही किया। पहले तो हम लोग खाना खाया, खाना खाने के बाद वो गया पेप्सी लेकर आया, पेप्सी में था। किस ट्रेन में हुआ?